आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। आज चर्चा करेंगे एक अहम मुद्दे पर, देश में इस वक्त हो क्या रहा है। देश में इस वक्त एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। अब आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति देखने को मिल रही है। जहां बुलडोजर का नाम सुनते ही अपराधी थर थर कांपने लगते थे, तो वहीं अब बेगुनाहों की आंखों में इस बुलडोजर की वजह से आंसू है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर की, जहां 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला और उसे जमींदोज कर दिया गया। अब बात यहां आस्था की भी है और राजनीति की भी। क्या जो एमपी दिल्ली में हुआ ये उस क्रिया की प्रतिक्रिया है या ये न्याय संगत है और कानून के दायरे में हुआ है? अगर कानून के दायरे में भी हुआ है तो ये कितना सही है? लोगों के घरों में कैद कर भगवान की प्रतिमाओं को खंडित करना, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना, ये कितना सही है? जो होना था वो हो गया, लेकिन अब इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। जहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार सत्ता में होने की वजह से बीजेपी के निशाने पर आ गई है, तो वहीं इस मामले पर भी कांग्रेस बीजेपी को ही जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान इस मामले में सामने आया है। उन्होंने कहा बीजेपी धार्मिक उन्माद फैला रही है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा और बोला कि 300 साल पुराना मंदिर का अतिक्रमण कैसे हुआ। बीजेपी ने मौके पर टीम भेज दी है जो कि अब इस मामले में जांच करेगी। इतना ही नहीं, स्थानीय कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीधे तौर पर बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड है जिसकी वजह से ये हुआ है और कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष का भी बयान इस मामले में सामने आया है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के तहत कार्यवाही की गई है और राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष और बीजेपी नेता सतीश दुहारिया ने कहा कि ये कार्यवाही प्रशासन के स्तर पर की है। उधर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के कार्यवाही के प्रस्ताव को बोर्ड की ओर से पास होने की बात कही है, तो वहीं इस प्रस्ताव के बाद मंदिर को हटाया गया है। पालिका प्रशासन ने अनुशासन 2012 के राजगढ़ मास्टर प्लान में यहां से 60 फीट रोड है और इस प्लान के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। गहलोत सरकार में मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि मंदिर के मामले में जो हुआ है उससे आगे पीछे की जो स्थिति होती है वो लोगों के सामने नहीं रखी जाती है। हम मंदिरों का पूरा सम्मान करते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है और लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो हुआ है उसमें पूरी तरह से बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी के जिम्मेदार होने की बात इसलिए भी कही जा रही है कि राजस्थान सरकार का कहना है कि जो अतिक्रमण हटाने की बात थी, मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात थी, जो कुछ भी हुआ है वो बीजेपी के समय से शुरू हुआ है। यानी कि जब बीजेपी की सरकार राजस्थान में थी तब इस अतिक्रमण पे मांग उठी थी, इस अतिक्रमण की मांग उठी थी और अब इसे सिर्फ मूल रूप दिया गया है कांग्रेस की सरकार में। लेकिन इसमें भी ये कहा गया है स्थानीय विधायक के द्वारा कि इसमें बीजेपी की गलती है, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। तो कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी है? क्या आस्था को ठेस पहुंचाना सही था? आस्था और कानून को आमने सामने रखना कितना सही है? क्योंकि एक तरफ आस्था की बात है और एक तरफ है कानून जो कि सर्वोपरि है। जहां अगर कानून के दायरे में आते हुए ये सब किया गया है तो कहीं ना कहीं ये सही है, तो बवाल नहीं होना चाहिए। अगर कानून के दायरे से बाहर है तो इस पे सवाल उठना लाजमी है। और अगर अतिक्रमण किया भी गया तो मूर्तियों को खंडित करना, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना कितना सही था? और अगर बात करी जाए कि अगर देश में इस वक्त जो स्थिति पैदा हो रही है वो क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, ये कई तमाम सवाल है। क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए तो राजस्थान में मंदिर ढाया गया है, दिल्ली में मस्जिद ढाई गई, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर विवाद चल रहा है, तो देश में इस वक्त कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है। अगर राजनीति की बात करें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कोई करना चाह रहा है। लेकिन आखिर इन सबके पीछे है कौन?
तो आज हम इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ तीन मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ केसी जैन जी, बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रेश कुमार सिंह जी, और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। तो आज का मुद्दा है बुलडोजर का जवाब बुलडोजर से, जो राजस्थान में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, और जिस तरह से इस वक्त देश का माहौल है, कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का भी जो विवाद चल रहा है, तो आखिर ये कर कौन रहा है, हो क्या रहा है देश में? रजा रिजवी जी, आपसे पहला सवाल। देखिए, ये सही है कि इस देश में और प्रदेश में बुलडोजर की बात और अजान की बात और लाउड स्पीकर की बातें बड़ी तेजी से चल रही, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि साहब मंदिर और मस्जिद में जहाँ भी लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उन लाउड स्पीकर की आवाज़ नॉइस पोल्यूशन के हिसाब से जो मानक निर्धारित है, उस मानक के हिसाब से अपने यहाँ मस्जिदों में और मंदिरों में लोग लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश में खासकर योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर यह हुआ कि मंदिरों में भी जहाँ चार चार लगे थे वहां दो लगे और उनकी आवाज भी धीमी हो गई। यही हाल कई मस्जिदों का था, जहां चार चार छह छह लाउड स्पीकर लगे थे वहां एक दो लगे और उनकी आवाज भी धीमी हो गई। तो इससे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अच्छा माहौल हिंदू और मुसलमानों में बना कि मंदिरों में भी जो है वो नॉइस पॉल्यूशन के लिए, आवाज प्रदूषण के लिए, जो तेज आवाज में माइक लगाते थे उस पर भी रोक लगाया मुख्यमंत्री जी ने, और मस्जिदों में भी जो तेज आवाज उस पर भी आम जनता ने माना और किया। लेकिन बात जहाँ राजस्थान की है, 300 साल पुराना जो है मंदिर, कुछ ज्यादा पुराना मंदिर है, और देखिए किसी मंदिर के अंदर जब मूर्ति रखी जाती है, प्रतिस्थापित की जाती है, मंदिर बन जाता है, मंदिर बनने के बाद जब मूर्ति रखी जाती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी वो मूर्ति जीवंत होती है, यानी वो मूर्ति मूर्ति नहीं रहती कि मतलब उसमें कोई जिंदगी नहीं है, वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, इसके मतलब उस मूर्ति में जिंदगी आ गई। तो जैसा आपने कहा कि मूर्ति को खंडित किया गया, अगर खंडित किया गया है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी मूर्ति को खंडित करना, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में हो चुकी है, खंडित करने का मतलब तो उसको, उसकी जान को आपने समाप्त कर दिया, वो जान खत्म हो गई, इसे खंडित नहीं करना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि ये नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उसने बोर्ड में बैठक लिया और बैठक में निर्णय लिया, और जो है ये अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए था, लेकिन अगर बीच में मंदिर आता है तो उसके लिए सहूलत से बात हो सकती है, और अगर कोर्ट का आदेश है तो देखिए न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसमें जो है कोई नहीं बोलेगा, कोई कंटेम्प्ट का कोर्ट के परिधि में कोई आना नहीं चाहेगा। तो ये सही है कि उत्तर प्रदेश के हालात जो है वो इस नमाज से और बुलडोजर्स और अजान से और लाउड स्पीकर से, ये योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छे तरीके से रोका है। और इससे पहले आपको बताऊं, कुछ दिन पहले जो है वो जो राजस्थान से चला था, आप समझिए वो मध्य प्रदेश होते होते दिल्ली में आ गया, और दिल्ली में जैसे ही बवाल हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा वगैरह में भारी भरकम पुलिस लगा करके और यूपी को अलर्ट करके उन्होंने बताया कि यहाँ भाई क्राइम कंट्रोल रहना चाहिए, कोई फसाद नहीं। सवाल कि आखिर ये हो क्यों रहा है देश में जो स्थिति है, सबसे ज्यादा जगह बीजेपी की सरकार है, और अगर बात करी जाए दिल्ली में भी जो हुआ, कहीं ना कहीं उसमें भी बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट थी। पहले अपराधी कांपते थे बुलडोजर का नाम सुन के, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में हुआ है उस पर क्या कहेंगे, और देश में जो इस वक्त स्थिति है उस पर क्या कहेंगे, आखिर ये क्यों हो रहा है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ, शर्मसार करने वाला घटनाक्रम, और कहीं पे अगर लीगल कार्रवाई हो रही है, दिल्ली में जागीरपुरी में जो कार्रवाई हुई वो मस्जिद के बाहर 10 फीट तक इंक्रोचमेंट कर लिया था लोगों ने, और वो कोई मस्जिद का पार्ट नहीं था, वहाँ अगल बगल दुकानें थी, होटल चल रहे थे, लोग करोड़ों रुपए की जमीनें कब्जा करके, रोड की जमीनें कब्जा करके लोग करोड़ों रुपए महीने कमा रहे थे, वहाँ पे पूरे होटल खुले हुए थे, झोपड़पट्टी के नाम पर वहाँ पूरे होटल खुले, होटल चल रहे थे, और अगर वहां पे अतिक्रमण हटाया गया, उसके बदले की कार्रवाई में कांग्रेस कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहती है कि हम अल्पसंख्यकों के नाम पर हैं, अल्पसंख्यकों के साथ पे हैं, और अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल और केवल मुस्लिम तुष्टिकरण जो कांग्रेस की पहले से नीति रही, उसी नीति के अंतर्गत कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाते हुए, जिस प्रकार से 300 साल से ज्यादा पुराना
भगवान शिव का मंदिर वहां पे गिराया गया है, तो बिल्कुल ये संसार करने वाली घटना है। दूसरी बात ये है कि तमाम जगहों पे, अभी रजाजी साहब ने एक बात तो कही और भी तमाम सारी ऐसी घटनाएं ऐसी बातें हैं जो उत्तर प्रदेश का देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके एग्जाम्पल भी सामने आते हैं, उसके उदाहरण भी सामने आते हैं। आपको याद होगा जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था और उसमें बहुत सारी मस्जिदें बहुत सारे मंदिर जो रास्ते में आ रहे थे उत्तर प्रदेश में उनको हटाने का आदेश हुआ कि इनको हटा दिया जाए तत्काल में, फिर क्या वो उसमें बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे मस्जिदों को शिफ्ट किया गया 10 फीट 5 फीट पीछे पूरा की पूरा उनको शिफ्ट किया गया, तो शिफ्ट होने लायक थी तो तत्काल बने थे उनको हटाया भी गया। तो कुल मिलाकर के प्राचीन मंदिर था, इसको शिफ्ट किया जा सकता था। अब आज तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि पूरे पूरे आप 5-5, 10-10 मंजिला इमारत को एक जगह दूसरे शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर वो ऐसी जगह पे था जहाँ पे रोड थी, रोड का चौड़ीकरण था, कुछ भी था, तो उस मंदिर को शिफ्ट किया जा सकता था। और खास करके मूर्ति तो बिल्कुल नहीं तोड़ी जानी चाहिए थी, मूर्ति तो हमारे आस्था का केंद्र है और उस मूर्ति को तो बचाया जा सकता था। लेकिन ये जानबूझ करके हो रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि देखिए दिल्ली का बदला हमने ले लिया, अगर पूरे देश में हमारी सरकार होगी तो सब जगह पे यही होगा। तो जो ओवैसी की भाषा है ना, वही भाषा राहुल गांधी जी की, वही भाषा कांग्रेस की होती जा रही है। और केवल भाषा ही नहीं, अगर वो ताकत में है तो उस ताकत का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं हिंदुओं को नीचा दिखाने का भी काम कर रहे हैं कि देखिए हमने करके दिखा दिया। इससे क्या होगा, इससे अस्थिरता पैदा होगी, इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ेगी। अगर हिंदुओं ने अपने हाथ में कमान ले ली वहां पर तब क्या होगा। तो कुल मिलाकर के ऐसी चीजों से, ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए सरकारों को, और खास करके जहाँ पे आस्था का केंद्र है वहां तो बिल्कुल ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और जहां तक हो किसी की भी आस्था ना टूटने पाए, किसी की भी आस्था को चोट ना पहुंचे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, सबकी आस्थाओं को ध्यान में रख करके सरकारों का इस तरीके का निर्णय लेना चाहिए। जी चंद्रेश जी, क्या कहेंगे इस मामले में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में और लगातार उसको घेरा जा रहा है। अगर अतिक्रमण करना था, सबसे पहला सवाल, क्या ये कानून के दायरे में हुआ है या नहीं? मैम, हिंदुओं को जातियों में बांटकर हजारों सालों तक उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण करने वाले लोग आज वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू 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 का प्रयोग कर रहे हैं, तो बड़ा मुझे आश्चर्यजनक लग रहा है। अलवर की जो ये घटना घटी है राजगढ़ में, जब इसके मामले में हमने छानबीन किया, जांच पड़ताल किया, तो पता चला कि वहां पर नगर निकाय बोर्ड ने प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित किया, सर्वसम्मत से पारित किया, और नगर निकाय बोर्ड के आदेश पर, उसके प्रस्ताव पर उस मंदिर को ढहा गया। कांग्रेस के स्थानीय विधायक ने उस घटना का विरोध भी किया, लेकिन नगरीय प्रशासन ने उसको नहीं माना। वहां पर नगर बोर्ड में सरकार किसकी है, चेयरमैन भाजपा का है, प्रस्ताव भाजपा का, प्रस्ताव पर अनुमोदन भाजपा का, और भाजपा के अनुमोदन पर मंदिर गिराया गया और भाजपा उस पर राजनीति कर रही है। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज में, बनारस में कई मंदिरों को ढहाने का आदेश दिया और कई मंदिर गिराए भी गए। यही नहीं, गोरखनाथ मंदिर के भी बाहरी दीवार ढहाए गए सड़क चौड़ीकरण करने के संदर्भ में, तो उस पर ये नहीं बोलेंगे। प्रयागराज में मंदिर ढहाए गए ये नहीं बोलेंगे। दो मायने हैं, यदि ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने मंदिर गिराया, तो ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में और बनारस में मंदिर क्यों गिराए गए, पहली बात। दूसरी बात, अरे हम क्यों कर सकते मैडम, हम क्यों कर सकते, वहां ये नगर निकाय बोर्ड का आदेश था, ये नगर पंचायत का आदेश था, नगर बोर्ड ने इस पर आदेश दिया। सरकार, आप समझिए, 18 विषय नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, यह विषय नगर पालिका के है। नगर पालिका ने सड़क चौड़ीकरण के संदर्भ में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके मंदिर को ढहाया, जहां चेयरमैन भाजपा का है, तो जवाब भाजपा देगी कि जवाब कांग्रेस देगी? ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है और अब इस मामले पर भाजपा घृणित राजनीति कर रही है। आप कानून की बात करिए, तथ्य की बात करिए, हवा हवाई कोई बात मत करिए। देखिए चंद्रेश जी, बचाव की स्थिति में चंद्रेश जी ने सारे उदाहरण कौन से दिए, यहाँ हिंदू मंदिर गिराया गया, वहां हिंदू मंदिर गिराया गया, बनारस में मंदिर गिराया गया, गोरखपुर में गिराया गया। अरे जब भारतीय जनता पार्टी ने गिराया है तो आप बचाव की स्थिति में क्यों है?
क्यों आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहां गिराया आपत्ति नहीं हुई, राजस्थान में गिर गया तो क्यों नहीं आप बोले? जब भाजपा ने, भाजपा ने मंदिर बनारस में गिराए, इलाहाबाद में गिराए, जब गोरखनाथ मंदिर के दीवारों को सड़क चौड़ीकरण के संदर्भ में गिराया गया, तब आप कहां थे? इस घटिया स्तर की राजनीति करने वाले भाजपा के नागपुरिया तंत्रों कितना गिरोगे तुम? स्वतंत्रता आंदोलन में भी देश के विरोध खड़े थे और आजादी के बाद भी तुम देश के विरोध खड़े हो, क्या बात करते हो आप? नगर बोर्ड का आपका है, नगर बोर्ड का प्रस्ताव पारित आपने कराया, मंदिर आपने गिरवाया और आरोप किसी और पर लगा रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप बताओ वहाँ नगर बोर्ड का चेयरमैन जो एक एक करके बोलिए, चंद्रेश जी, चंद्रेश जी, एक एक करके बोलिए, संज्ञान लेकर रोकना चाहिए, गलत बात है ना? प्राचीन मानसिक के शिकार हो गए हो, जाओ अपना इलाज कराओ। और उनका भी संरक्षण होना चाहिए और उनका ऐतिहासिक दृष्टि संरक्षण होना चाहिए, और मंदिर कोई है, प्राचीन मंदिर है, उसका तो संरक्षण होना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस के लोग हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। और जिसकी ये बात कर रहे हैं, नगर निकाय बोर्ड की जिसकी ये बात कर रहे हैं, नगर निकाय बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है, कई टीवी चैनलों पे न्यूज चली है, कई टीवी चैनलों पे नगर निकाय बोर्ड ने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे वहां से पास नहीं हुआ, मंदिर गिराने का कोई प्रस्ताव हमारे वहां से पास नहीं हुआ, नगर निकाय बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है। फिर मंदिर किसने गिरा दिया? फिर ये नगर का मंत्री का सबसे अहम सवाल ये है कि अगर मंदिर अगर कानून के दायरे में नहीं आ रहा था तो उसको शिफ्ट किया जा सकता था। मंदिर में जो मूर्तियां थी, जो प्रतिमाएं थी, उनको खंडित क्यों किया गया? शिवलिंग के ऊपर कटर से क्यों उसको काटा गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं एक ही सवाल चाहता हूं कि नगर निगम बोर्ड ने जब ये प्रस्ताव पारित किया जिसमें भाजपा की सरकार है, चेयरमैन भाजपा का है, तो भाजपा के लोग बताएं कि वह बोर्ड ने कैसे आदेश पारित कर दिया, कैसे प्रस्ताव मंदिर को ढहाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, इस पर भाजपा के लोग प्रतिक्रिया पहले देना। दूसरे चरण की बात हम बाद में करेंगे, पहले चरण की बात करिए कि जहां पर नगर बोर्ड में आपका सरकार है, आपके चेयरमैन है, उसने प्रस्ताव कैसे पारित किया, यदि आप सहमत नहीं है उसके निर्णय पर। तो केसी जैन जी, अगर आपकी तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया तो क्या मूर्तियों को भी खंडित करने का प्रस्ताव दिया गया था? जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सिखा जी, ये जो है, आप उस प्रस्ताव की कॉपी दिखाओ ना, हमारे पास उस प्रस्ताव को कॉपी है कि सड़क के चौड़ीकरण के संदर्भ में बोले दीजिए, नहीं सुनेंगे वो अल्लाह करने बैठे हैं। मेरे पास जवाब है, सवाल है जी, ये है वो है, कांग्रेस के लोगों का काम ही यही है, केवल सवाल खड़ा कर देंगे, भाग खड़े हो गए, उसके बाद जवाब भी नहीं सुनना चाहते। नगर विकास मंत्री किस लिए होता है? और कहीं पे अगर हमारा ग्राम प्रधान हमारी विचारधारा का है, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी विचारधारा का है, क्या जिला पंचायत अध्यक्ष इस तरीके के निर्णय ले सकता है बिना सरकार की मंशा के? पहली बात तो ये कि नगर निकाय बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे वहां का इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो सवाल आ पहला झूठ, हमारे पास कॉपी है। तीसरी बात ये अगर जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा है, जिला और ग्राम प्रधान हमारा है, तो क्या सारे निर्णय जो सरकार लेती है ग्राम प्रधान लेने लगेगी क्या? नगर निकाय अगर इस तरीके से सारे निर्णय लेने लगेगा तो सरकार का मतलब क्या है? सरकार वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार की पुलिस वहाँ पर नहीं है, नगर निकाय पुलिस चलाएगी क्या वहाँ पर? हथौड़ा चल रहा है, नगर निकाय करता है क्या जी? रसा रिजवी जी, हमने दोनों का पक्ष सुन लिया, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये चलता ही रहेगा क्योंकि अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं समझेगा और ना ही इन्होंने बदला लिया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, राजनीतिक उद्देश्य से हुआ है या फिर धार्मिक उद्देश्य से? रसा जी जी देखिए, हमारे एक साथी बैठे थे, केसी जैन जी बैठे हैं और एक साथी और बैठे हैं जी, वो कह रहे हैं कि नगर पालिका बोर्ड का मेरे पास वो निर्णय की कॉपी है। तो अगर निर्णय कापी है तो वो निर्णय कापी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है और लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अगर कापी है तो कापी वो अपने कैमरे के सामने कर दें और कापी पूरी देश दुनिया देख ले कि बोर्ड ने क्या पास किया, क्या नहीं पास किया है। केसी जैन साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अगर वो कह रहे हैं कि नगर पालिका बोर्ड ने नहीं जारी किया है
तो उनका कहना है कि हम बाद में बता देंगे, वो बाद में चैनल में दिखा दिया जाएगा, बाद में किया जाएगा। अगर उनके पास अभी मौजूद है, अभी तो हम लोग कुछ देर तक चैनल में बैठे हैं, अगर उनके पास कहीं मौजूद हो, किसी दराज में रखा हो। जी सैयद रजा रिजवी साहब, आपने उस कॉपी को अभी तक नहीं देखा तो मुझे लगता है कि आपके मन का देखना नहीं है। इस डिबेट से पहले इस संबंध में आपको चीजें पता करनी चाहिए थी कि नगर निकाय बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया है कि नहीं किया है। इस जानकारी लिए बिना बिना सूचना के आप डिबेट पर बैठ कैसे गए और यहाँ पर भाजपा को आप डिफेंड कर रहे हैं। नगर निकाय बोर्ड ने यदि प्रस्ताव पारित करके किसी मंदिर को ढहाने की बात किया है तो क्या दिक्कत है? मैं देख लूंगा, मैं आपका धन्यवाद दे दूंगा। भाई मैं नहीं देख पाया, मुझे गलती हो गई। चंद्रेश जी, यहाँ पे किसी को डिफेंड करने की बात नहीं है, बात अपने तथ्य को रखने की। अगर आपके पास सबूत है तो आप उसे दुनिया के सामने रखिए। जनता से जनता से भ्रमित करने का मत करिए काम। आप बुजुर्ग हो चुके हैं, सत्य बोलिए, कम दिन। अरे तो आप दिखा दीजिए, मैं नहीं देख पाया। अगर मान लीजिए मैं नहीं देख पाया तो मैं आपसे बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, आप बिल्कुल ठीक नहीं कर पाते हो। चंद्रेश जी, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अगर आपके पास सबूत है तो आप दिखाइए जनता को। ऐसे करके दिखाते जी, देखिए ये काफी मेरे पास है। मैं इंटरनेट पे खोलू, मोबाइल मेरा लगा हुआ है, मोबाइल मेरा डिबेट में लगा हुआ है, मैं इंटरनेट क्या करूँ? अरे वो मेरा मोबाइल डिबेट पर लगा है, मैं कैसे मोबाइल को अपने हाथ में लूँ? फिर उसके बाद मालूम हमारी फोटो फ्रेम से हट जाएगी, फिर मैं ढूंढू उसको, ढूंढ जाके बताऊँ? आप जब कह रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा। कोई वकील अगर बहस करता है तो उसको एक्ट दिखाना पड़ता है, उसको जजमेंट दिखाना पड़ता है। चंद्रेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। चंद्रेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि अगर आपके पास सबूत होता तो आप दिखा देते। जब आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो आपको अपना दामन बचाने के लिए दिखाना पड़ेगा। आपको ये बात माननी चाहिए, यहाँ पे कोई पक्ष नहीं ले। चंद्रेश जी, आपको ये बात माननी चाहिए, कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। मैं इसी डिबेट को उसी दिशा में ऐसा है ना, मैं इस डिबेट को उसी दिशा में ले जाना चाहता हूं जहां इस बात का पर्दाफाश हो सके कि सैयद रजा रिजवी हुसैन और केसी जैन को ये मालूम ही नहीं है। अच्छा, कि नगर निगम बोर्ड ने कोई प्रस्ताव पारित किया है और ये आप जाकर जांच करें। और मैं सुनिए, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं देश की जनता से अपील करता हूँ। नगर निगम बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया, जब गूगल पर ये मिल जाएगा। चंद्रेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि मैं रिजवी साहब से सवाल ले रही हूँ। जी चंद्रेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास सबूत नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास सबूत नहीं है। सबूत पूरे देश में घूम रहा है, पता करिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इस डिबेट में बैठे इस बात को उठा रहे तो आपको सबूत लेके बैठना चाहिए। सबूत देने का काम जी आपको समय, मैं आपको समय दे रही हूँ। आप सबूत ले आइए, तब तक मैं रिजवी जी से साफ से सवाल कर रही हूँ। जी जी जी, नहीं नहीं, ये सिखा दीजिए, का काम करिए, देश की जनता के सामने रखने का काम करिए। मैं तो कह रहा हूँ जी, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप अपने सबूत को ले आइए। चंद्रेश जी, आप मंदिर टूटने के, अरे हमारे सबूत कह रहे हैं, गूगल डालिए। जब तक आप हमसे सवाल पूछेंगे सैयद रजा साहब, गूगल डालकर प्रस्ताव देंगे। चंद्रेश जी की आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज। चंद्रेश जी की आवाज डाउन कर दीजिए। रजा जी, हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। जी अब हम आगे बढ़ेंगे, तो इस टॉपिक को यहाँ पे छोड़ दीजिए। हम मेन मुद्दे पे वापस आते हैं, जिस तरह से बुलडोजर का जवाब बुलडोजर से दिया जा रहा है। आप दिखा दीजिए, खत्म बात। हम लोग माफी मांग लेंगे आपसे कि नहीं देख पाए भाई साहब, माफी चाहते हैं। आपने बता दिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम धन्यवाद अदा करेंगे। दिखाइए आप जी, हम उसको माफी मांग लेंगे आपसे कि हाँ भाई साहब नहीं देख पाए, मैं माफी मांगता हूँ, आपने दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दिखाइए, आप लाइए दिखाइए, मैं धन्यवाद दूं आपको, खाली बात करते हैं बस, दिखाइए जी। रजा जी, सबसे अहम सवाल कि जो भी ये क्रिया प्रतिक्रिया सामने आ रही है राजस्थान से, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, धार्मिक या फिर राजनीतिक? देखिए, मेरा साफ ये कहना है कि कोई भी मंदिर जब होता है और उस मंदिर के अंदर जब कोई मूर्ति रखी जाती है तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि वो मूर्ति अब उस मंदिर में जब रख दी गई तो उस मूर्ति में जीवन आ गया, जीवंत हो गया, वो जाग गया। क्योंकि कोई भी जो आदमी जाता है उस मूर्ति के सामने अपनी फरियाद रखता है, बिल्कुल, तो वो ये समझ के नहीं रखता है कि मट्टी की मूर्ति है और मैं इसके माने इसके सामने दुआ मांग रहा हूँ। वो प्रत्यक्ष से समझता है कि अगर भगवान राम की मूर्ति है तो उसके दिमाग में रहता है भगवान शंकर की मूर्ति है, अगर भगवान जो है वो हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान स्वामी जी की मूर्ति है, तो समझता है कि हनुमान स्वामी जी हमारे प्रत्यक्ष सामने मौजूद है। आप देखिए इस प्रस्ताव को भी देख लीजिए, लीजिए भैया प्रस्ताव देख लीजिए, प्रस्ताव देख लीजिए, ये प्रस्ताव पढ़ लो, पढ़ लो सैयद रजा रिजवी साहब और माफी मांग लो, सैयद रजा रिजवी साहब माफी मांग लो, लो ये प्रस्ताव पढ़कर सैयद रजा रिजवी साहब माफी मांग लो, नगर निगम बोर्ड का प्रस्ताव है, माफी मांग लो सैयद रजा रिजवी साहब, नगर निगम बोर्ड का प्रेस नोट है, माफी मांग लो सैयद रजा रिजवी साहब, माफी मांग लो, अरे माफी मांग लो, भाग जाओ, माफी मांग लो भैया रजा रिजवी साहब, लो लो प्रस्ताव दे दो भैया, चंद्रेश जी ठीक है, आपने सबूत दे दिया। मुझे ये बताइए कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे कुछ भी हो जाएगा सरकार की अनुमति के बिना हो जाएगा? चंद्रेश जी, आप अपना बचाव कर रहे हैं लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर कुछ बोलना क्यों नहीं चाह रहे? जी आपने दिखा दिया, आपने दिखा दिया, वो टॉपिक वहाँ खत्म हो गया, मेन मुद्दे पे आप लौटेंगे, मेन मुद्दे पे लौटेंगे, अपना बचाव इसी तरह करेंगे। चंद्रेश जी जिस चीज के ऊपर ये डिबेट करी जा रही है आप उस मुद्दे पे लौटेंगे या एक ही मुद्दे को पकड़े रहेंगे? रिजवी साहब ने कहा कि मैं माफी मांगूंगा, चंद्रेश जी आप बोर्ड का प्रस्ताव दिखा दीजिए। रिजवी साहब अगर बोर्ड का प्रस्ताव करिए तो माफी मांगता हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए ऐसा है मैम, इसमें नगर निगम का जो प्रस्ताव था, नगर निगम में 74वें संविधान संशोधन के तहत 18 विषय दिए गए हैं और उसको अपने विषयों पर कार्रवाई का पूरा अधिकार है। जिसके साथ नगर निगम ने अपना कार्रवाई किया, कांग्रेस का स्थानीय विधायक ने उसका विरोध भी किया, लेकिन नगर पालिका ने इसकी बात को न सुना। बाद में जब चौड़ीकरण के संदर्भ में मंदिर ढा दिया गया, जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके वक्तव्य जा रहा था, जब उसकी पहली ईट गिरी, जब मंदिर भारतीय जनता पार्टी के आप सामने आके कहिए कि हम नहीं चाहते थे मंदिर के, मंदिर गिरा गलत हुआ, आप कहिए सामने आकर के, आप तो कह रहे वहाँ गिरा कोई बात नहीं, यहाँ गिरा कोई बात नहीं। चंद्रेश जी, अब मंदिर तो गिरा दिया गया, ठीक है, वहाँ पे इतने लोगों को कैद करने की क्या जरूरत थी? जो पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर है राजस्थान में किसके अंतर्गत आता है? मैडम नगर निकाय, पहले तो आप कानून को समझिए, कानून होता क्या है, किसको कितना वितरण, मैंने आपको फिर कहा
कि नगर निगम को शहर में नगरी विकास के लिए कानून बनाने का और आदेश पारित करने का पूरा अधिकार है। सरकार का क्या काम है राजस्थान में, मुझे बस इतना बता दीजिए। उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, ये नगर पालिका बोर्ड का आदेश होता है और ये नगर निगम बोर्ड के आदेश पर मंजूर आ गया जहाँ पर भाजपा की सरकार है, तो भाजपा को इस पर बोलना चाहिए ना। दूसरी बात, जब मंदिर की पहली ईंट पर बुलडोजर चला तो भाजपा के स्थानीय नेता क्या कर रहे थे, वो सामने क्यों नहीं आए? जब मंदिर मंदिर गया तब भाजपा के नेता बाहर निकल कर आकर सैयद बहुत बड़े राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसके हाथ में कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है। आपके लिए राजनीतिक दल बाद में है, पहली है, और जब देश में विवाद हो रहा है उसका विरोध एक नागरिक की हैसियत से करना बड़ी जरूरी है। मैं आप पर इसलिए अगर हम सवाल कर रहे हैं चंद्रेश जी, हमसे सवाल करें, डिफेंड नहीं कर रहे, आप उसका जवाब दीजिए। क्या सीएम के हाथ में कोई पावर नहीं है? मंदिर को गिरा दिया जा रहा है, वहाँ पे ना पुलिस प्रशासन लोगों को घर में कैद कर दे रही है, लोग वहाँ पे रो रहे हैं लेकिन वो घर में कैद है, वो मंदिर को बचा नहीं सकते हैं, इस तरह की परिस्थिति देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में भाजपा कांग्रेस की बिल्कुल कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुन ली है जी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुन ली है, अब हम बीजेपी से भी जान लेते हैं जी। प्रतिक्रिया पहले सुनिए, नगर विकास मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के कृत्य की निंदा करते हुए स्पष्ट किया कि हम मंदिर को पुनः स्थापित करने का काम करेंगे और भाजपा के कृत्य की हम निंदा करते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे निंदा करते हैं और जो है इस बात को स्वीकार भी लिया कि ये गलत हुआ। केसी जैन जी, सीधे तौर पे कांग्रेस पूरा आरोप बीजेपी पे लगा रही है, किस तरह से देखते हैं? आपने लोगों को घर के अंदर कैद करवाया, उसके बाद इस मंदिर को ढाया और जितनी भी मूर्तियां थी उन्हें खंडित किया। यही तो देखिए शिखा जी, यही तो सवाल है, सवाल क्योंकि जो प्रमाण दिए चंद्रेश जी ने उसके आधार पर तो बीजेपी पे सवाल उठना भी लाजमी है। नहीं नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए जो तथ्य, जो बातें जिस प्रकार से चंद्रेश जी रख रहे हैं जी, कांग्रेस का पक्ष जिस प्रकार से रख रहे हैं, तो उनकी ही बातें उनको उन्हीं के पेच में फंसा रही। देखिए, नगर निकाय के पास में अगर कोई आदेश पारित करने की पावर है जी, और साथ में क्या ये केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं हो गया दिल्ली की तरीके से? बिल्कुल, कि जिस प्रकार से दिल्ली में पुलिस की व्यवस्था केंद्र के हाथ में है, ऐसा राजस्थान सरकार में तो है नहीं जी। अगर राजस्थान ने ऐसी घोषणा कर दी है कि सरकार की पूरी पावर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और पुलिस व्यवस्था पूरी उनके हाथ में है, तो हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री भी वहां पे वो सरकार भी नहीं चला रहे, सरकार भारतीय जनता पार्टी वहां चला रही है, वो ये कहना चाहते। दूसरी बात ये कि ये बचाव की मुद्रा में है। अभी ये कह रहे थे कि गोरखपुर का मंदिर गिरा, अभी नहीं, केसी जैन साहब आपने कह रहे थे कि नगर निगम ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया, मैंने तो प्रस्ताव लिखा है, इस पर जवाब दीजिए ना। आप लोग कह रहे थे केसी जैन साहब कि नगर निगम ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया, हमने दिखा दिया प्रस्ताव, आपको जवाब दीजिए। देखो, इनके पास ना तो पुलिस की पावर रह गई है, ना इनके पास मुख्यमंत्री बचा है, मुख्यमंत्री का नकारा हो गया, मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं है ना, वो कुछ कर सकते हैं। सारी पावर नगर निकाय के पास आ गई है। अब नगर निकाय जो है राजस्थान सरकार को नगर निकाय चला रहा है, उसके पास पुलिस की भी पावर है, उसके पास बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण की पावर है, उसके पास सारी पावर आ गई है, डेवलपमेंट की उसके पास पावर है, उसके पास पैसा भी आ गया है, सारी व्यवस्थाएं नगर निकाय चला रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। तो वहां के मुख्यमंत्री बैठ के क्या कर रहे हैं वहां पर? नकारा मुख्यमंत्री बैठा रखा है आपने, सरकार के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, और फिर बचाव की मुद्रा में तुलना भी कर रहे हैं, वहां गिरा आपत्ति नहीं, यहाँ गिरा तो आपत्ति हो रही है। अरे आप उसके साथ है कि विरोध में? और फिर मंदिर अभी तो केसी जैन साहब आप ही कह रहे थे कि कोई नगर निगम बोर्ड ने प्रस्ताव ही पारित नहीं किया, काहे झूठ बोल रहे हो भैया, यहाँ बैठकर क्यों बकैती कर रहे हो? अभी तो आप ही कह रहे थे कि नगर निगम बोर्ड ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया, और जब हमने चिट्ठा दिखा दिया तो अपने मुंह पर तमाचा मारने के बजाय आप बकैती कर रहे हो। अरे शर्म आप सभा मंगवाते, बहुत बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, अरे धिक्कार है आपको, थू है आप पर, और
राजस्थान की सरकार कांग्रेस सरकार पे तो है, ये एक मंदिर को क्यों आ रहे हैं? दिल्ली का बदला लेने के लिए वहाँ पे शिव मंदिर को जी, हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पक्ष सुन लिया है। रजा जी, अब आप क्या कहेंगे, क्या यहाँ राजस्थान में भी दिल्ली की तरह ही सिस्टम चल रहा है कि सारी पावर केंद्र के हाथ में है, केंद्र ने किया है सब? क्योंकि मुझे तो ना ही राजनीति की ना कानून की इतनी समझ नहीं है, आप वरिष्ठ हैं तो आप ही समझा दीजिए कि आखिर राजस्थान में चल क्या रहा है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारे साथी चंद्रेश जी ये कह रहे थे कि हमने ऑनलाइन दिखा दिया जी। तो मैं जिस मोबाइल पे बैठा हूँ हमें वो ऑनलाइन इनका कागज नहीं दिखा है जी। सच्ची और सीधी बात, मैं भेज रहा हूँ साहब, मैं चैनल पर भेज रहा हूँ, मैं चैनल पर व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। चंद्रेश जी कह रहे हैं कि ये जो है उसका प्रस्ताव है, मैं प्रस्ताव इसका दिखा रहा हूँ। अगर उसका वो प्रस्ताव दिखा रहे हो, यकीनन वो प्रस्ताव सही है जी। तब तो मैंने अभी कहा आप लोगों से कि भाई अगर वो प्रस्ताव सही है और वो दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर प्रस्ताव है और वो सही है तो इसके मतलब जो हमारे केसी जैन जी ने कहा वो कि प्रस्ताव नहीं हुआ है, तो इसके मतलब केसी जैन जी साहब को जानकारी इस बात की थी कि नहीं थी ये मैं नहीं जानता जी। लेकिन मैं ये प्रस्ताव भी नहीं देख पाया हूँ, लेकिन उन्होंने इतनी जोर से इतनी दबाव से इतना चिल्ला के कहा तो मैंने सैयद रजा साहब मैं चैनल को प्रस्ताव भेज दे रहा हूँ, वो प्रस्ताव आप तक पहुँच जाएगा। प्रस्ताव सही है तो भाई मैं क्षमा मांगता हूँ, प्रस्ताव सही है, अभी तक मुझे ये प्रस्ताव हमारे जिस मॉनिटर पे बैठा हूँ उस मॉनिटर पे हमारा प्रस्ताव नहीं दिखा है। अगर सही है तो ठीक है मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैंने देखा नहीं है अभी, इसलिए मैं इसको क्या बोलूं, लेकिन अगर सही है तो क्षमा मांगता हूँ। दूसरा देखिए ऐसा है कि वहाँ ये राजनीति जो हो रही है वो राजनीति इस तरीके की, जिस तरीके से भी हमारे साथी चंद्रेश जी इतना जबरदस्ती बोल रहे थे और किस तरीके से हमारे केसी जैन जी को कह रहे थे पर्सनल कह रहे थे, डिबेट पे कभी ऐसा पर्सनल नहीं होता, 7-8 साल से डिबेट पर हम लोग बैठ रहे हैं, कुलदेही नहीं कहता है कि साहब कोई व्यक्तिगत आदमी नाम लेके कहना शुरू करे कि नारंगी और संतरा और ये और वो और किसी को बुरा कहे। जब आप किसी को बुरा कहेंगे तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि आपको भी कोई बुरा कहने के लिए तैयार रहेगा और कहेगा, इसलिए ऐसा है कि एक उंगली अपनी तरफ इशारा अगर करती है तो चार उंगली अपनी तरफ इशारा करती है, इसलिए बोलने से पहले बहुत ही संतुलित शब्द बना करके बोला कीजिए। चैनल के ऊपर किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि हर आदमी के शरीर में भगवान विराजमान है, किसी का अगर दिल दुखाएंगे तो आप भगवान का दिल दुखाएंगे, आप खुश नहीं रह सकते, इसलिए डिबेट पर बहुत संभल के बोलना चाहिए और बहुत सलीके से बात करना चाहिए। आप एक ज्ञानी आदमी होकर के इस तरीके की फुहड़ बात करेंगे इकट्ठे अच्छे चैनल पर, इसलिए शोभा नहीं देता। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये जो राजनीति हो रही है देश में, इतनी अशांति फैली हुई है, तो क्या जिस तरह से दिल्ली में बुलडोजर चला ये उस क्रिया की प्रतिक्रिया रही, क्योंकि राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है, बयानबाजी भी सामने आ रही है, रजा जी इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि बुलडोजर वगैरह जो भी चलता है वो नियम के अनुसार चलेगा, कोई सरकारें गैर कानूनी काम नहीं करती, ये सबके ध्यान में रहना चाहिए जी। कहीं ना कहीं से उसका चाहे अदालत से चाहे नियमावली से कहीं ना कहीं उसका आदेश होता है जी। अगर मान लीजिए सड़क पर कोई अतिक्रमण है जी। और वो नगर निगम का है या नगर पालिका का है या वो टाउन एरिया का है या वो ग्राम सभा का है जी। तो उसको कैसे हटाएगा तो बुलडोजर साफ होगा ना वो रास्ता, उस बुलडोजर से जब रास्ता साफ होता है तो रास्ता अच्छे तरीके से साफ हो जाता है, फिर आदमी वो जल्दी बना नहीं पाता। मैं आपको बताता हूँ अतिक्रमण की चीज, मैं 98 में मैं जो हज करने गया जी। तो वहाँ सड़क पर लोग जो है दुकान लगाते थे, सड़क के ऊपर घड़ी की दुकान चश्मे की दुकान लगाते थे और फौरन उधर से पुलिस की गाड़ी आती थी और हमने ये मेरे आंख के देखा है, पुलिस की गाड़ी आती थी चश्मा उठाया घड़ी उठाया और उठा करके एक मशीन रहती थी, उस मशीन में उसने डाला और मशीन में डालने के बाद बटन दबाया करके सब पूरा घड़ी पानी हो गया, चश्मे की दुकान सड़क पे लगी है पानी हो गया। यहाँ अगर कोई आदमी सड़क पे दुकान लगा है तो फौरन विधायक जी कहेंगे अरे भाई वो तो बहुत गरीब आदमी उसको छोड़ दिए। यही करते करते लोगों ने सड़क को सक्रिय कर दिया और उस एरिया से लोग अब जाना पसंद नहीं करते, अतिक्रमण इतना हो गया कि वो दुकानदार स्वयं परेशान है कि साहब हमारा बिजनेस ठप है क्योंकि हमारे गली में लोग आते ही नहीं, गाड़ी जाती नहीं, कार जाता नहीं, रिक्शा जाता नहीं, लोग आते नहीं है। तो अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो अतिक्रमण हटाने में सबको सहयोग करना चाहिए। केसी जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी अभी कुछ देर पहले कि बड़ी अच्छी अच्छी मशीनें आई हैं, उन मशीनों के सहारे
पूरी पूरी मंदिर पूरी पूरी मस्जिद हटाई जा सकती है, और हटाने का कारण भी सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हुआ है, इसलिए सड़क पे जो सही बात है सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हुआ है ये, क्योंकि सड़क पे जो मंदिर मस्जिदें हैं उनको किनारे किया जाए, जो जो धार्मिक स्थान है, नाम नहीं लिया गया, धार्मिक स्थान जो है उसको किनारे किया जाए, हटाया जाए उसको, तो अगर उसको हटा करके आम जन की सुविधा की जा रही है तो उसमें किसी को बहुत जो है नाराज होने की जरूरत नहीं है। जी, लेकिन इसे शिफ्ट किया जा सकता है, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती, उसे खंडित करके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ केसी जैन जी, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से प्रवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी जुड़े थे। तो हमने आज सबसे अहम जो मुद्दा इस वक्त देश में गहराया हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, तो उस मुद्दे को उठाया, उसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्या ये सही था जो राजस्थान में मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, क्या ये न्याय संगत था, कानून के दायरे में था या नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश किया है तो ये सही था, लेकिन जिस तरह से वहां पे आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, उसको शिफ्ट भी किया जा सकता था मंदिर को, तो आखिर इसी वजह से ये इतना विवाद गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ यूपी में भी बुलडोजर चलता है और यूपी में बुलडोजर चलता है तो अपराधी कांपते हैं। सीएम योगी ने यह साफ तौर पे इस बात को कह भी दिया है कि सिर्फ अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, गरीबों पे नहीं चलेगा, जो बेसहारा है उन पे नहीं चलेगा, सिर्फ अपराधियों पे ही बुलडोजर चलेगा। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में बुलडोजर चला है तो कहीं ना कहीं मासूमों की आंखों में आंसू भी आए हैं, दर्द हुआ है, आस्था को ठेस पहुंची है, और इसी को लेकर ये विवाद गहराया हुआ है। तो कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन अगर कहीं पे गलती हुई है तो उसको स्वीकारना भी चाहिए, ना कि दोनों पक्ष, वो चाहे किसी की सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके नहीं, अपनी गलती को मान के उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।